हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल आज आपसे बात करूंगा 68,500 लिखित भर्ती परीक्षा के बारे में, कि जो इसकी प्रक्रिया कैसे चल रही है। तो हमें पता है कि 6 जून को आंसर की आई थी 68,500 लिखित भर्ती परीक्षा की। उसके बाद 9 जून को शाम 6 बजे तक जो है आपत्तियाँ ली गई थी, उनका जो है निस्तारण शुरू हो गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़ को जो आपत्तियों के निस्तारण के विषय में है। तो न्यूज़ है, परिषदीय स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब पर मिली आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में आपत्ति व साक्षिका प्रिंट करवाकर उन्हें विषयवार किया जा रहा है, ताकि संबंधित विशेषज्ञों को भेजा जा सके। सचिव डॉक्टर सुत्ता सिंह ने बताया है कि 18 जून को संशोधित उत्तर कुंजी जारी करके उसमें इनका समाधान होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती की 27 मई को पहली बार लिखित परीक्षा हुई। उत्तर कुंजी 6 जून को जारी हुई और अभ्यर्थियों से ईमेल पर प्रश्नों के जवाब पर आपत्तियाँ मांगी गई। परीक्षा नियामक कार्यालय में बड़ी संख्या में आपत्तियाँ मिली हैं, इसीलिए कुल आपत्तियों की संख्या को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इसकी एक वजह है कि एक ही प्रश्न के जवाब में तमाम अभ्यर्थियों ने साक्ष्य भेजे हैं। सभी मामलों को विषयवार छांटने के बाद ही आपत्तियों की संख्या स्पष्ट होगी। जल्द ही विशेषज्ञों को भेजकर निस्तारण कराया जाएगा। यदि जवाब पर एक विशेषज्ञ को असमंजस हुआ तो अन्य से भी इसकी राय ली जाएगी। तो काफ़ी तीव्र गति से कार्य चल रहा है और निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। काफ़ी अच्छा कार्य है। और बात कर लेते हैं अब हम थोड़ी सी कटाव के विषय में। तो पहले हम लोग कटाव के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक दूसरी न्यूज है उसके बारे में। तो पहले मैंने बताया था कटाव के बारे में कि संभावित कटाव कितना जाना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि सर, आपने जनरल की कटाव के बारे में गलत बताया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि जनरल का व्यक्ति अगर 68,500 लिखित भर्ती परीक्षा में 80 नंबर ला रहा है, 80 नंबर ला रहा है, तो मतलब वो सेफ़ है, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से सेफ होगा, उसे जॉब मिलेगी ही। लेकिन अगर 75+ भी लाएगा तब भी उसके होने के चांसेस रहेंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एकेडमिक और 68,500 लिखित भर्ती परीक्षा के हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ है वो उसके हिसाब से जानी चाहिए 62% और 75 के हिसाब से जानी चाहिए 60%। तो जनरल की कट ऑफ जनरली मेरे हिसाब से 60 से ऊपर ही जाएगी, 60 से ऊपर ही जानी चाहिए। और जैसे ओबीसी की मैंने बताया था कि 55 से ऊपर या 55 के समथिंग होगी, तो जितने भी ओबीसी के बंदे हैं 55 से ऊपर जितनी भी कट ऑफ होगी उनका हो जाएगा। और SC ST के बारे में मैंने बताया था कि उनके 50 समथिंग होंगे गुणांक, तो उनका हो जाएगा। बाकी ये मत सोचिए कि मैंने बता दिया है तो हो सकता है इतनी ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, खाली एक संभावना है, बाकी तो ऊपर वाला मालिक है। जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कितना संभावित कट ऑफ जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ है कटिंग वाले प्रश्नों का है, ना मूल्यांकन हो। तो BTC संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री व अन्य विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन भेजा। इसके माध्यम से बताया है कि 27 मई 2018 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा कराई गई थी। स्पष्ट निर्देश था कि उत्तर पत्रक में उत्तर देते समय किसी भी प्रकार की कटिंग, ओवरराइटिंग व एवं व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित है। ऐसा करने पर संबंधित प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जिन अभ्यर्थियों ने ओवर राइटिंग, व्हाइटनर और कटिंग की है उनके प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे वह अभ्यर्थी परेशान होंगे या उनकी मेरिट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा जिन्होंने ओवर राइटिंग और कटिंग नहीं की है, क्योंकि उन्होंने पूरे निर्देशों का पालन किया है। इसी वजह से कटिंग और ओवर राइटिंग वाले प्रश्नों का जो मूल्यांकन है वो किया नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है BTC अभ्यर्थियों के द्वारा प्रत्यावर्तन देके, तो काफ़ी सराहनीय कार्य है। और बिल्कुल नहीं चेकिंग होनी चाहिए कटिंग, ओवरराइटिंग और वाइटनर वाले प्रश्नों पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।